कैमरा इसकी रोशनी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अभी। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सागर तोमर आ गया एक बार नई वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने जो ये पार्किंग बल्ब है इन्हें हैलोजन से एलईडी में अपग्रेड करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कुछ बल्ब मंगाए हैं, परचेज करे लोकल मार्केट से, जिनकी कॉस्टिंग मैं बताऊं तो इनकी 20 रुपये पर पीस पड़ा है। ये तो सेम ये हैलोजन जैसे इसका डिज़ाइन है, ताकि लगने में कुछ दिक्कत ना आए। और हमने आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमने इसके अंदर एलईडी बल्ब इंस्टॉल करे थे, और अब इसकी हम हाई बीम में भी सेम एलईडी बल्ब लगाएंगे। तो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने हाई बीम के लिए भी सेम एलईडी बल्ब मंगवाया है, जो अपने हमने लो बीम में लगाए थे क्रिस्टल आई के 130 वाट में, जब मेड इन जापान वाले हैं ये। तो सेम मैंने मंगाए हैं, इनको मैं एक बार खोल के दिखाया था। जिसने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जिसके अंदर मैंने लो बीम में इंस्टॉल करे थे। ये इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाती है, इस पर कुछ डिटेल वगैरह भी लिखी हुई है। और ये हमारी एलईडी आ जाती है जो सेम हमने लो बीम में लगाई थी। ये पीछे फैन मिल जाता है, और इसकी मेटल की क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत सही है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है क्रिस्टल आई की बैजिंग, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर कैनवस रहता है, तो पावर वगैरह इसकी पूरी स्टेबल रहती है। इस पर भी क्रिस्टल आई की बैजिंग है, और ये भी मेटल में ही है, काफ़ी सही क्वालिटी है इसकी भी। तो इसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर लगाएंगे पहले पार्किंग बल्ब, उसके बाद इसे हम लगाएंगे। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। पहले हमने इस वाले में लगाई थी लो बीम, और ये वाली हाई बीम है जो छोटा लिखता है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी हमें पहले ये गैस्केट जो है ये इसको निकाल लेना है, ये निकाल लिए, इसे हम रख देते हैं साइड में। और अंदर देखे तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर हमारी हाई बीम वाले है, और नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो है छोटा सा, ये हमारा पार्किंग बल्ब है। तो कुछ नहीं करना, इसे हमें पकड़ना है सॉकेट को और बाहर खींचना है। जैसे खींचेंगे ये अपने बाहर आ जाएंगे, और इसको हमें सीधा नॉर्मली पकड़ना है और इसको निकाल लेना है। तो अगर देखोगे तो कुछ ऐसा मिलता है ये हैलोजन वाले पार्किंग बल्ब। और मैं साथ साथ दूसरा भी दिखाऊंगा आपको अपना वाला, जो मैं लेकर आया हूँ। तो सेम है देखने में, हल्का सा इसमें नए वाले में आगे इसमें दे रखा है, ताकि चारों तरफ फैले। लगाते हैं इसको, इसमें हमें ये देखना नहीं है पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है, मतलब क्या है कि ये ख़राब नहीं होगा अगर हम इसको उल्टा भी लगा देंगे। तो सेम है, क्योंकि हम लगा के एक बार चेक करेंगे कि काम करता है या नहीं करता। अगर इसकी टर्मिनल अगर चेंज होंगे तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये काम कर जाता है तो समझ लो सही है। बल्ब फिसल के नीचे गिर गया था, कोई नहीं, दोबारा लगाते हैं। एक हाथ से हो नहीं पा रहा था तो मैंने ट्राईपोड का इस्तेमाल करा है। अब मैंने इसको लिया, ये अपना ये सॉकेट दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर हमें इसको लेना है और अंदर साइड पुश करना है, थोड़ा टाइट लगेगा ये देखो लग गया ये अपना। पर इसको हम चेक कर लेंगे कि ये जल रही है नहीं जल रही है। मैं एक बार पार्किंग बल्ब ऑन करता हूँ, तो ये देखो ये जलने लग गई है अपनी। तो हम इसको ऐसे जले जले में ही यहाँ अपने नीचे लगा देंगे, ये दिख रहा होगा आपको नीचे के साइड, इसमें होल जो है ये देखो। लग चुका है ये एक साइड, और दूसरी साइड देखे तो हमारा ये येलो वाला ही जल रहा है। तो इसको भी हम सेम कर लेते हैं, फिर आपको दोनों दिखाता हूँ। ये दूसरा बल्ब भी लगा दिया है, देखो इसमें भी लगा दिया है और इसमें भी लगा दिया पार्किंग बल्ब। मैं आपको इसकी हाई बीम दिखाता हूँ,
कैसी है? अभी ऐसी है, इसकी जल रही है पीली, सामने थ्रो देख सकते हैं, बहुत कम थ्रो आ रहा है इसका हाई बीम का। को लगा के दिखाता हूँ मैं कैसा फर्क दिखता है। चंदा एलईडी लगाएंगे ये हाई बीम में। प्रोसेस मैं समझा देता हूँ आपको। ये हमने कैप इसकी हटाई रखी है, सीधा हमें क्या करना है, इसको कपलर को खींचना है। कपड़े खींचोगे साथ में बल्ब, ये एली हेलोजन बल्ब कुछ ऐसा मिल जाता है। ये H7 वाला ही है जो सेम उधर था, और इसकी 55 वाट की पावर है। इसे हम साइड में रख देते हैं। हमें ऊपर वाला कट देखना है ये, और हमें इसके अंदर वाला कट देखना है। ये दिख रहा होगा, इसमें ऊपर एक कट बना हुआ है, इसी कट में ये मिलाना है। जी आप मिलाओगे ये एकदम सेट आ जाएगा। यहाँ से दिखाऊं तो देखो, मैं इसका एक कपड़ा लगाना है इसमें। इधर आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव रेड वाली साइड रहना चाहिए, तो इसे लगा देते हैं। दिखाता हूँ मैं लगा के। लगा दिया मैंने। हम इसका भी ये जो कैनवस है, इसे नीचे स्पेस रहता है उसमें अंदर डाल देना। ये देखो पूरा सामान इसके अंदर आ गया, नीचे कैनवस भी रखा हुआ है, और ये पूरा स्पेस है यहाँ पे, और ये इसकी डस्ट कैप लगा देंगे। ये देखो पूरा हो गया OEM जैसा। तो उस साइड का मैंने पहले ही कर दिया था, तो अंदर से बल्ब ऐसा दिखता है उस साइड, और इस साइड ऐसा दिखता है। इनको जला के देखते हैं अब। हम देखो कितनी तेज जल रही है, सामने गार्ड पे भी देख सकते हैं। मैं एक बार वैसे दिखाता हूँ आपको मैनुअल। ये मैंने जुगाड़ कर रखा है ताकि हाई बीम ऑन रहे खाली। ये दिन में है इसका रिस्पांस, और खाली में वैसे ये नॉर्मल हो गई है अपनी लो बीम, ठीक है। ये हाई बीम अभी दिन में इतना दिख रहा है, रात में तो अलग ही दिखेगा। तो मिलते हैं रात को, रिस्पांस चेक कराता हूँ आपको। भाई अब इसकी हाई बीम देखेंगे रोड पर। आ रही हो भाई? ये देखो कितनी तगड़ी है हाई बीम, नंबर प्लेट अलग ही चमक रही है, मतलब दिख नहीं रहा नंबर प्लेट में क्या नंबर है। कितनी तगड़ी हाई बीम लग रही है इसकी लगने के बाद। ये देखो रोड पे कोई भी लाइट ना हो, ये हो तो समझ लो तुम्हें कोई और लाइट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैं इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसी मेरी वीडियो को आगे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और बेहतर वीडियो लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं एक और नई गाड़ी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।